हाउ वुड यू फील वेन यू आर एट अ प्लेस जहाँ पर एक साथ बहुत सारी डेड बॉडीज़ को जलाया जा रहा हो, बट यू नो वॉट, मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज ये लगा कि वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि उस घाट पर, उस शमशान घाट पर कोई भी रोता नहीं है। और वट एल्स हैपेंड ये आप आगे खुद वीडियो में देख लीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम द सिटी ओल्डर देन हिस्ट्री बनारस। आज बनारस का हमारा दूसरा दिन है यार। अभी सुबह के 3:30 बज रहे हैं और ऑलमोस्ट 90% लोग सो रहे होंगे। हम भी सो रहे होते हैं अगर हमें उस चीज़ के बारे में जाना नहीं होता, उस जगह के बारे में जहाँ पे अभी हम लोग जाने वाले हैं थोड़ी देर में, जो कि है मणिकर्णिका घाट। यार उस जगह के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो जानने के बाद हमारा जो क्यूरियोसिटी लेवल है वो यहाँ है। तो अभी हम लोग थोड़ी देर में वहीं जाने वाले हैं सो दैट कुछ लोगों से इंटरेक्शन हो पाए और वहाँ के बारे में कुछ पता चले, कुछ कुछ फैक्ट्स, सो दैट मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। भाई साहब क्या मेसमराइजिंग व्यू है, लुक ओवर देयर। अभी हम लोग दशाश्वमेध घाट पर हैं। मणिकर्णिका घाट का प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया, हम लोग थोड़ी देर बाद में जाएंगे। और ये जो पीछे में आप जो पूरा जो लाइन से घाट देख रहे हो ना, ये पूरा आगे तक सारे जो घाट्स हैं वो सब एक से एक कनेक्टेड हैं। और यहाँ पे अभी अपन लोग आए थे ड्रोइंग शॉट लेने के लिए और कुछ टाइमलेस रिकॉर्ड करना था। पीछे में आपको जो आवाज़ आ रही होगी, पता नहीं, आई डोंट नो, वो है द वर्ल्ड फेमस काशी विश्वनाथ टेम्पल की। बस यहाँ से कुछ शॉर्ट्स लेंगे, उसके बाद जाएंगे अपन लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। क्योंकि बनारस हम पहली बार आए थे तो यहाँ की गलियों, घाटों और इस शहर से पूरी तरह अनजान थे, पर यहाँ के दशाश्वमेध घाट पर कुछ वक्त बिताकर ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। हमने इस जगह पर आने में काफ़ी देर कर दी, पर मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप कभी भी काशी आओ तो सबसे पहले यहाँ आना। और हाँ, अगर पॉसिबल हो तो सनराइज़ होने से पहले थोड़ा वक्त ज़रूर बिताना, क्योंकि शायद वो शांति, सुकून और ख़ुद के लिए वक्त जिसे आपका मन बहुत समय से ढूंढ रहा हो आपको यहीं मिले। सच में बनारस को जैसा इमेजिन किया था, रियल में उससे भी ज़्यादा सुंदर और पवित्र निकला। मानो खूबसूरती और पवित्रता का दूसरा नाम बनारस हो। यार मेरा मन कर रहा है ना, लिटरली बता रहा हूँ कि अब कैमरा ड्रोन सब यहाँ पे छोड़ू, सीधे जाके डुबकी मारूँ वहाँ पे जब तक वो लोग शूट कर रहे हैं। बट आज नहीं, आज सब इमोशन कंट्रोल करना है कल, क्योंकि कल भी अपन लोग को यहीं रुकना है। कल जरूर जाने से पहले गंगा मैया के दर्शन होंगे। मरने के बाद सब अगर काशी में जल गया, कहता यही पुराने बैकुंठ चला गया। विश्वेशम माधुन दुड्डी दंड पड़ी जो भैरव, बंदे काशी गुहाम गंगा भवानी मणिकर्णिका। ये है काशी का मणिकर्णिका घाट, जिसे महाशमशान भी कहा जाता है। और आपको सुन के शॉकिंग लगेगा कि यहाँ 2400 घंटे चिता जलती रहती है। और ऐसा माना जाता है कि
कि जिसका भी अंतिम संस्कार या मृत्यु यहाँ होती है उसे स्वयं भगवान शिव मोक्ष प्रदान करते हैं। अगर हम सभी ने जन्म लिया है तो एक न एक दिन मृत्यु आनी ही है और उसे हम बदल नहीं सकते, बट ये लाइफ जो भगवान ने हमें दी है उसे हम एक अच्छा इंसान बनकर, अच्छे कर्म कर अपने आत्मा और अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं इस जगह से इतनी सारी चीज़ें सीख कर जाऊँगा। यू नो वॉट, इस जगह पर शूट करना मेरे लिए सबसे टफेस्ट चीज़ रहेगी हमेशा।